हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निर्मल और आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अस। बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, और ये खुशखबरी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपको दी है। और ये खुशखबरी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, और जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, हर एक बच्चे के मन में एक ही सवाल होता है कि एग्जाम के लिए वो बहुत अच्छी मेहनत करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, पर उसके मन में सवाल होता है कि हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, हमारा सिलेक्शन का आधार क्या होगा, और हमारा एग्जाम क्या टाइम पे होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, आप सभी के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एकदम क्लियर कर दिया, और ये तीनों सवालों का उन्होंने एकदम अच्छे से जवाब दिया है। तो आप निश्चित रूप से क्लियर हो जाओ, और ये जो वीडियो है ये कोई अफवाह फैलाने के लिए नहीं है बच्चों, ये एकदम क्लियर वीडियो है। जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है वही चीज़ मैं आपको अपने शब्दों में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, उससे पहले हम लोग कुछ बातें देखेंगे, अन अकेडमी के बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अस। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि अन अकेडमी इंडिया का नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो RPSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो आपका JEE हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, CA का हो, CS का हो, कोई भी एग्जाम हो। बच्चों, इंडिया का नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और यहाँ पे हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और हर सपने को साकार किया जाता है जो हर एक बच्चा सोचता है अपने बारे में, और अपने लक्ष्य को वो आगे लेके चलता है। तो बच्चों, आप सभी को अनअकैडमी के साथ जुड़ना है ताकि आपके जो सपने हैं वो पूरे के पूरे साकार हो जाए। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। तो भाई, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है? आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको यहाँ पे दिया जाता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको दिए जाते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है बच्चों, तो आप प्लीज़ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपके पास ऐप स्टोर है या फिर प्ले स्टोर है, तो आप वहाँ पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए और उसे इंस्टॉल करिए। उसके बाद आपको RPSC सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये सब्सक्रिप्शन आपका 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है, और 24 मंथ का भी हो सकता है। बच्चों, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो, कोई भी बच्चे को यदि एग्जाम क्लियर करना है तो 3 महीने में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। जो लोग बोलते हैं हमने 3 महीने में फर्स्ट रैंक लाया, बच्चों ये सब बेबुनियाद बातें हैं, आपको सिर्फ बहकावे में लाने के लिए ये सारी बातें की जाती है। यदि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, यदि आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर करनी है, एक बार में यदि आपको एग्जाम क्लियर करनी है, तो बच्चों हर एक एग्जाम को आपको कम से कम 1 साल देना पड़ता है ताकि सारी की सारी चीजें आपको ग्रैप हो जाए और आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो बच्चों, यदि आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको 3500 देना पड़ेगा, पर यदि आप मेरा कोड यूज करते हो भूतिया 10, तो आपको वहां पे 10% का ऑफ मिलेगा और आपको 3150 ही देना पड़ेगा। याद रखना मेरा कोड BHUTIA10, भूतिया 10 मेरा कोड है, जिससे आपको 10% का ये ऑफ मिलेगा। वैसे ही आपका 6 मंथ का है और वैसे ही आपका 12 मंथ का है। 12 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को कम से कम 12 महीने तैयारी में लगते हैं। तो आपको 12 मंथ का चाहिए तो आपको 7000 पे करना पड़ेगा, पर यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हो भूतिया 10, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा और आपको 6300 ही पे करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये सारी बातें थी आपको अनअकैडमी के बारे में बताने के लिए और मेरे कोड के बारे में आपको बताने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो सेशन है जिसपे हम लोग बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो बच्चों, आपका सिलेबस, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि रीट के बारे में बहुत सारी बातें आ रही है, तो निश्चित रूप से आप निश्चित हो जाइए कि भाई जो 2011 का NCTE का सिलेबस है उसी के मुताबिक, उसी की गाइडलाइन के मुताबिक ये पूरा का पूरा पूर्ण निर्धारित है बच्चों। तो इसमें कोई बदलाव आने वाले नहीं है, मतलब जो 2011 NCTE के सिलेबस की गाइडलाइन के मुताबिक जो भी सिलेबस है आपका, वही सिलेबस आपका रहने वाला है, सिलेबस में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि भाई पाठ्यक्रम जो सिलेबस आपका है वो क्या है, 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक है, इसलिए पाठ्यक्रम में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। मतलब आप निश्चित हो जाओ कि जो 2011 का सिलेबस है वही सिलेबस आपका रहने वाला है। दूसरी बात यह आती है कि सिलेक्शन का आधार क्या होगा। तो बच्चों, जो पहले 70-30 का रेशियो था, क्या वो होगा, या फिर उससे अलग से पेपर होगा, या फिर कोई और मापदंड होगा? मतलब जो सिलेक्शन का आधार है उसमें क्या है भाई, 70-30 का रेशियो है जो पहले था,
या फिर कोई अलग से पेपर होगा आपका, या फिर उसके लिए कोई और मापदंड होगा। मतलब ये तीन चीजें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताई है, इसमें वो लोग अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि भाई जो सिलेक्शन का आधार है वो क्या है, एक शिक्षक बनने के लिए, पात्रता एग्जाम के लिए नहीं है। तो भाई पात्रता एग्जाम के लिए कोई सिलेक्शन का आधार नहीं है, आपकी पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद सिलेक्शन का आधार डिसाइड होगा। तो सबसे पहले आपकी पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद ही सिलेक्शन का कोई आधार हमें निश्चित किया जाएगा कि क्या पहले वाला रहेगा या फिर कोई और पेपर होगा या फिर कोई और मापदंड इसका होगा। तो दो बातें हो गई, क्या हो गई, एक तो सिलेबस, सिलेबस आपका चेंज होने वाला नहीं है, जो सिलेबस है वही रहने वाला है। तो आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जो पढ़ते आ रहे हो वही आपको वापस से पढ़ना है। उसके बाद आपने देखा कि भाई सिलेक्शन का आधार, तो सिलेक्शन का आधार पात्रता एग्जाम के लिए नहीं है बच्चों, ये पात्रता एग्जाम होने के बाद आपका सिलेक्शन का आधार निश्चित होगा, उससे पहले अभी नहीं है। तो आपको एग्जाम पात्रता पे अभी फोकस करना है। और तीसरी बात, क्या परीक्षा तिथि टाइम पे होगी, क्या परीक्षा आपकी टाइम पे होगी या नहीं होगी, क्या परीक्षा तिथि में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि रीट का एग्जाम जो 3 सितंबर और व्याख्याता का, तो भाई अभी क्या है, ये जो डेट है इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, पर यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बैठक बुलाएंगे, उसके बाद ही कोई बदलाव होंगे। तो उन्होंने बोला कि 3 मई तक लॉकडाउन है, और यदि हमें आवेदन मांगने हैं तो हमें 3 महीने का वक्त चाहिए, यानी कोई भी भर्ती निकालेंगे तो उसके लिए आपको 3 महीने का वक्त दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि 3 महीने पर्याप्त है कोई एग्जाम को पास करने के लिए। तो बच्चों आप एकदम क्लियर हो जाओ कि 3 मई को यदि लॉकडाउन खुलता है, यदि गतिविधियां सारी चालू भी हो गई, तो 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, 3 अगस्त। तो जो एग्जाम आपका 2 अगस्त को होने वाला था वो तो होने वाला नहीं है, आप इसके लिए निश्चित हो जाओ कि एग्जाम 2 अगस्त के बाद होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने बोला कि 3 सितंबर जो आपकी डेट है, 2 सितंबर या 3 सितंबर, वो एकदम फिक्स डेट है। यदि उसमें कुछ चेंज आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो वही रहने वाला है। क्योंकि देखो भाई, उन्होंने क्या बोला कि लॉकडाउन जैसे 3 मई को खुलेगा, तो उसके बाद सारी की सारी गतिविधियां एक साथ चालू नहीं होने वाली बच्चों। स्कूल तो आपका 30 मई तक बंद रहने वाले हैं, ये एकदम निश्चित है। 30 मई तक आपके स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुलेगा, ना कोई मॉल खुलेंगे, ना कोई सिनेमा हॉल खुलेगा, क्योंकि यदि ये खुल जाएगा तो लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन वैसे ही फैलता जाएगा, तो गतिविधियां पूरी होने में टाइम लगेगा बच्चों। तो आपके पास कम से कम 3.5 महीने हैं, तो आप मन लगा के वो तैयारी करो जो आपके सपने को साकार कर सकती है बच्चों। मन लगा के घर पे पढ़ो, यूट्यूब देखो, और हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स, उसके साथ जुड़ो, ताकि आपकी सारी की सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वो सब हमारे हाथ में है, और आपका सिलेक्शन भी हमारे हाथ में है। आपका सिलेक्शन होगा तभी हमारे सपने भी साकार होंगे, और आपने सब आपके सपने भी पूरे के पूरे साकार होंगे। तो हमने इस वीडियो में 3 बातें की कि भाई सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिलेक्शन का आधार अभी निश्चित नहीं है, और परीक्षा तिथि यदि कुछ चेंज होता है तो आपको बताया जाएगा, पर 2 अगस्त को तो आपकी परीक्षा होने वाली नहीं है। तो 3 मई के बाद यदि लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद कुछ गतिविधियां होगी, और उसके बाद आपको सारी की सारी चीजें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी वापस से बताएंगे बच्चों। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और इसे आगे से आगे शेयर भी करना। तो भाई आज का सेशन हमारा इतना ही था, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी दबा दो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।